पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोमवार को भारतीय जनता युवा महानगर मुरादाबाद का एक दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रेम चुनरिया में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष भाजीमो सत्येंद्र अवाना, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डीयू और भाजीमो अध्यक्ष अभिषेक चौबे, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री सचिन चौधरी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र यादव द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। महानगर उपाध्यक्ष दीक्षांत और मंत्री सिद्धांत वाल्मीकि द्वारा वंदे मातरम के साथ प्रथम सत्र का शुभारंभ हुआ। प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता सत्येंद्र अवाना को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उपाध्यक्ष विजेंद्र ठाकुर और मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता द्वारा किया गया। द्वितीय वर्ग में मुख्य वक्ता निकाय चुनाव प्रभारी और विधायक के रूप में आगरा पुरुषोत्तम खंडेलवाल रहे। अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष दीक्षांत चौधरी द्वारा की गई और महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा भी उपस्थित रहे। तृतीय सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में महानगर प्रभारी वाईपी सिंह रहे। अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष भाजीमो गंगापाल द्वारा की गई। याद हुआ जो पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश के रूप में हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान में जोड़ने की कोशिश की, उसका भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध किया और उसका विरोध करने में सबसे अग्रणी भूमिका किसी ने निभाई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निभाई। उस समय और वो केवल एक विचार के कारण, क्योंकि हम तो भारत माता की जय करते हैं ना, यहां से लेकर अफगानिस्तान तक भारत, और जो भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, माता जब बोलते हैं तो माता शब्द से तो एक संस्कृति पैदा होती है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक परम पूज्य श्री गुरुजी को लगा कि देश में एक राजनीतिक दल बनना चाहिए और राष्ट्रभक्तों का राजनीतिक दल बनना चाहिए जो भारतीय संस्कृति का पोषण कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें और भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित कर सके। तो भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरे देश विश्व का मार्गदर्शन किया है, लेकिन 800 वर्ष में मुगलों के बाद अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के बाद फिर हमारे ही लोगों ने अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो भारतीय संस्कृति को पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करती, वो तो देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का काम करती है। 1950-51 के बाद जब प्रथम आम चुनाव की घोषणा होने वाली थी, उसी समय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और परम पूज्य गुरुजी के बीच सहमति बनी कि एक जनसंघ के नाम का संगठन बनाया जाए। तो 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन हुआ। पहुंचे और क्या रणनीति तैयार की? हमारे जिला प्रशासन वर्ग है, हमारा एक सामान्य रूप से प्रक्रिया है, हमारे संगठन में तय होता है कि हम प्रदेश स्तर पर वर्क करते हैं, उसके बाद जिलों में वर्क करते हैं। वर्ग का मुख्य कारण होता है अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, उनको ये बताना कि भाई आपको जमीन पर कैसे जाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे जाना है, जनता के बीच में कैसे जाना है, और जो हमारी नीति है माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में किस तरीके से देश खुशहाली के रास्ते पे, प्रदेश किस तरीके से गुंडा मुक्त व्यवस्था में है, हर तरीके का विकास हम सभी के सामने है, वो योजनाएं किस तरीके से हमें जनता में पहुंचानी, इस विषय को लेकर हम लोग अपने वर्क करते हैं और हमारी क्या कार्य पद्धति होनी चाहिए, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, कैसा अनुशासन होना चाहिए, इससे हम लोग चर्चा करते हैं। चुनाव भी आपको लेकर आप जनता के बीच पहुँचेंगे? चुनाव का दूसरा नाम तो भारतीय जनता पार्टी हो गई है और जीत का पर्याय भारतीय जनता पार्टी हो गई है। कोई भी चुनाव आप देखेंगे, लोकसभा हो, विधानसभा हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, या वो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है या वहाँ पर सरकार बना रही है मजबूत।